हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोई भी बीमारी से कैसे बचा जाए। यानी कि आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसा आसान उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से आप कभी भी कोई बीमारी में नहीं फंसेंगे। छोटा मोटा बीमारी तो आपको हो सकता है, लेकिन शुगर, डायबिटीज, बड़ा बड़ा जो बीमारी हम लोग नाम सुनते हैं, वैसा कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी दारू, शराब, सिगरेट नहीं पीते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी माताओं को ले लीजिए, बहन को ले लीजिए, दादी को ले लीजिए, ये लोग तो कभी सिगरेट, दारू, शराब, सिगरेट छूता भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा उम्र होते ही बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाता है। और एक तरफ दूसरे टाइप के लोग हैं जो दिन भर सिगरेट, दारू, शराब सब कुछ पीते हैं, एकदम फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हॉस्टल में रहने वाली लड़के और लड़कियां डेली मैगी, चाउमीन, इतना सब कुछ खाने के बाद भी आप देखेंगे, आप फेसबुक में भी देख सकते हैं, ट्विटर में भी देख सकते हैं, आप थोड़ा इस पर रिसर्च कीजिए तो आपको देखने में मिलेगा कि उन लोगों का फेस बहुत ही अच्छा होता है, ग्लोइंग स्किन, हेयर एकदम मोटा हेयर है, मतलब हेल्थ भी एकदम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जबकि उसका लाइफ स्टाइल देखा जाए तो आपसे ज़्यादा गंदा खा रहा है, सुबह मैगी खा रहा है, शाम को बेबी कॉर्न खा रहा है, सिजवान सॉस खा रहा है, चीज़ बटर ब्रेड खा रहा है। और जबकि हम लोग दूसरी तरफ अच्छा खाना खा रहे हैं, दाल भात, रोटी सब्जी, दूध दही, फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, ये बात साइंस भी अब मानने लगा है कि इमोशन हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वैसे तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, इतना ज़्यादा कि मैं उसके बारे में गिन भी नहीं सकता, लेकिन इधर पे मैं आप सभी को शॉर्ट में समझाता हूँ कि कुछ इमोशन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ इमोशन होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, तब आपके शरीर में कोई भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल कुछ भी काम नहीं करेगा। आस्ते आस्ते आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 साल में, 4 साल में आंखों के नीचे गड्ढा होना, चेहरा होता है ना थोड़ा सा उदास लगता है, मतलब बोलता है ना चेहरा में एक रौनक नहीं है, चेहरा का रौनक चला जाना, और कुछ ही सालों बाद बड़ा से बड़ा बीमारियों में घिर जाना। दूसरी तरफ होते हैं जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसे लोगों की आंखों में डार्क सर्कल भी जल्दी नहीं आता है, और ये चाहे गरीब हो या अमीर हो, आप देखेंगे इनके चेहरे में एक अजब सा रौनक आता है। इनका सेल्फी आप देखेंगे, आपको देख के मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि जो गोरे हैं उन्हीं का सेल्फी अच्छा आता है, जो लोग काले हैं उनका सेल्फी अच्छा नहीं आता है। आप थोड़ा सा नेट पे बैठ के रिसर्च कर सकते हैं, या मैं दावा गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, आपके एरिया में आसपास कोई ऐसा लड़का या लड़की होगा जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, जो मेकअप नहीं करता है, जो बहुत ज़्यादा जिम, एक्सरसाइज, योगा कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका चेहरा आप जब भी देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक, तो उसके चेहरे में देखेंगे एक अजब सा तेज है, मतलब बहुत ही अच्छा चेहरा है, मतलब उसका चेहरा देख के एक पॉजिटिव फेस वाला फीलिंग आता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको अभी इसी वक्त एक एग्जांपल देता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी एग्री करेंगे कि हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोले हो। चाहे अमीर बाप का बेटा बेटी हो, या चाहे रास्ता में जो लोग काम करते हैं उनका बेटा बेटी हो, आप देखेंगे जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, आप जाके हॉस्पिटल में अभी इसी वक्त देख सकते हैं, उन लोगों के चेहरा में एक अजब सा तेज होता है, बहुत ही अच्छा उनका चेहरा होता है, और कम से कम 6-7 साल तक सभी बच्चों का चेहरा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसको चेहरा देखते ही आपका मन खुश हो जाता है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव फेस। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि उतना छोटा बच्चा अभी तो कुछ जानता है नहीं, तो ऐसा बच्चा दूसरे के बारे में या अपने बारे में नेगेटिव कैसे सोच सकता है? नेगेटिव सिर्फ सोचना वही नहीं होता है जो लोग दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारे लोग अपने खुद के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। मेरा हाइट अच्छा नहीं है, काश मैं 5'6" का होता, अरे यार हाथ में थोड़ा सा और अच्छा होता, मेरा बाइसेप्स होता, काश मैं देखने में थोड़ा और स्लिम होती, मैं साड़ी पहन पाती, ऐसा करके जो लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना खुद के बारे में, बहुत सारे लोगों को आजकल सेक्स प्रॉब्लम हो रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि वो लोग सेक्स करने से पहले खुद से ही अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा काश थोड़ा और लंबा होता, ऐसा करके जो अपने बारे में जब आप हीन भावना सोचना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन से आपका हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो कि सच में मोटे हैं, लेकिन उनको आप मोटा बोलिए उल्टा आपको गाली देना शुरू कर देंगे, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
तो ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे मोटा होने के बाद भी उनके चेहरे में तेज होता है, चमक होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कपिल शर्मा शो तो आप सभी लोग देखते होंगे, उसके अंदर जो बनता है ना लच्छा पराठा, वो देखिए कितना ज़्यादा फैट है, लेकिन उसका चेहरा कभी आपको देखने में ख़राब लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचने में बहुत ज़्यादा शक्ति है दोस्तों, और नेगेटिव सोचने में आपका ज़िंदगी भी ख़राब होगा, आपका हेल्थ भी ख़राब होगा, आपका फेस भी ख़राब होगा। तो आपको जितना भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, चाहे पेट का, चाहे गला का, चाहे दिमाग का, उस सभी प्रॉब्लम के पीछे जड़ है आपका सोच। तो अगर आपको अपना हेल्थ ठीक करना है तो आज से आप अपना सोच ठीक करना शुरू कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो जितने भी लोग बीमार हैं उनको आप अभी इसी वक्त ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ दवाई खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपने सोच को नहीं बदलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।